आप भी एक बार जरूर बनाइए हमारे इस तरीके से तीसी का पूड़ी, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ दो चीज़ों से बना सकते हैं, इतना टेस्टी और इतना हेल्दी पूड़ी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही हेल्दी भी है हमारे सेहत के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों तीसी का पूड़ी बनने जा रहा है। तो देख सकते हैं जो लोग गांव से होंगे वो उसको पता ही होगा तीसी कैसा होता है। तो मैंने तीसी को भूज के अच्छे से कूट लिया है, इसको दरदरा कूटना, ज़्यादा महीन नहीं कूटेंगे इस तरह से। जब हम इसको खाएंगे तब मुँह में आएगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों खाने में। तो दरदरा टाइप का ही कूटिएगा इसको, तो बहुत ही अच्छा। मैंने लोहा को खड़ी में इसको भून के ठंडा करके अच्छे से कूट ली हूँ इस तरीके से। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में और बहुत ही हेल्दी भी होता है ये तीसी खाना, बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों। अगर आपके हड्डियाँ वगैरह मजबूत करता है दोस्तों इसको खाने से, और दर्द वगैरह रहता है तो वो अच्छे हो जाते हैं दोस्तों इसको खाने से। बहुत दवाई का भी काम करते हैं, फ़ायदे भी हैं हमारे सेहत के लिए। तो इधर मैं देख सकते हैं दोस्तों इसको, इसमें मैं डाल रही हूँ। आप इसको गुड़ से भी बना सकते हैं लेकिन मैं चीनी से डाल रही हूँ, चीनी अच्छा लगता है, गुड़ हमको पसंद नहीं है दोस्तों। तो आप अपने मीठा आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर चीनी को डाल ली हूँ, इसको आप अपने मीठा, मैं बोल रही हूँ मीठा आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ थोड़े थोड़े करके गर्म पानी, थोड़े थोड़े करके गुनगुना पानी को ठंडा करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरह गुड़ डाल के उसको, गुड़ को आप पाउडर ले सकते हैं, पाउडर को अच्छे से इसी तरीके से मिक्स कर लीजिए। कुछ ज़्यादा गीला नहीं करेगा दोस्तों, सूखा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं जब आपको अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप इस तरीके से करके इस तरह देखिएगा कि अच्छे से हमारे मुट्ठी बन, मतलब कि ये इकट्ठा होकर लड्डू की तरह बन रहे हैं। तो अब इसका हमारा ही तैयार है दोस्तों। अब इसको हम अच्छे से ढककर रख देते हैं, तब तक हम इधर ढक के इसको रख देती हूँ। उसके बाद हम आटा को, आटा तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम ढक के रख देते हैं। तो इधर मैं एक थाली में आटा ले ली हूँ दोस्तों, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथ से। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है दोस्तों, आप मैदा में भी बना सकते हैं, मैं गेहूं का आटा में बना रही हूँ, हेल्दी रहता है दोस्तों खाने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार गेहूं का आटा में भी बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं हमारे आटा अच्छे से मिक्स हो गए। अब चलिए इसको हम, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं दोस्तों, उसी तरह से हम इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं आटा को। तो इसको हम ये कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम आपको देखते हैं। तो इधर हमारा आटा तैयार है दोस्तों, आपको जितना बड़ा पूरी आपको लोई काटना है उतने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने इतना आपको बड़ा या छोटा आपको जितने बनाना है, तो मैं इतने इतने सा काट रही हूँ, सारे लोई काट लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इधर हमारा आटा ए, इधर मैंने काट ली हूँ लोई, और इधर हमारा तीसी और चीनी। तो हम इस तरह से इसको, इस तरह से जैसे हम पराठा वगैरह में आलू भरते हैं दोस्तों, उसी तरह से इसका हम इस तरह से कर लेंगे। आपको जितना ये करना हो इस तरह से आराम आराम से कर लेंगे हम, इस तरह देख सकते हैं। अब जितना मन चाहे उतना आप ठूस ठूस के इसमें भर सकते हैं। इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे दोस्तों, एक्स्ट्रा आटा हम अपने निकाल लेंगे इस तरह से, इस
तरह करके हम सारे रख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं इधर मैं रखते जा रही हूँ। तो सारे हमारे हो गए हैं दोस्तों रेडी बनकर। तो देख सकते हैं इधर मैं सूखा आटा लेके इस तरह से करके, अब इस तरह से मैं इसको हाथों से ही इस तरह से पतला कर लूँगी किनारा दाब दाब के, क्योंकि मैंने बहुत 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 भरा है दोस्तों। इसको हम बेलेंगे तो ये फट जाएगा, इसलिए हम हाथों से ही चपटा कर रहे हैं इस तरह से सूखा आटा लगा के दोनों तरफ, ताकि हमारा ही एक दूसरे में चिपके ना। तो हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हल्के हाथों से, आप हाथों से भी कर सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं इधर। तो सारे मैंने इसी तरीके से ही कर लिया है, देख सकते हैं। इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी दोस्तों, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसमें हमारा कढ़ाई गर्म हो गया तो मैं इसमें सरसों का तेल डालूँ। मैं थोड़ा थोड़ा तेल में बना है दोस्तों, मैं आप इसे तेल में फ्राई भी कर सकते हैं दोस्तों। मुझे फ्राई वाला उतना पसंद नहीं है, मैं इस तरह से सेक लगाया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तेल को हम कढ़ाई के तरफ फैला देंगे। तो मैं आपको इधर रख रही हूँ, इधर डाल के मैं दिखाती हूँ। आँच को हम धीमी रहेंगे दोस्तों, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। अगर हमारा आँच ज़्यादा तेज रहेगा तो नीचे से जल जाएगा, इसलिए हम धीमे धीमे इसको एक तरफ से हमारा हो गया तो मैं इसको पलट देती हूँ, देख सकते हैं। और हम आराम आराम से बनाएंगे, एक एक करके, आप दो भी डाल सकते हैं। मैं एक एक करके बना रही हूँ, देख सकते हैं इधर। इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। इसको धीमे धीमे आँच में, करीब आपको 5 मिनट तक लग जाएगा। देख सकते हैं हमारा फूला फूला सा बनकर तैयार है। अब इसको हम इस तरह से साइड कर देंगे, इसको निकालेंगे। तो लीजिए हमारा, अब हम दूसरा डालेंगे। तो एक हमारा बनकर तैयार है, देख सकते हैं। अब मैं सारे इसी तरीके से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारे हमारे बनकर तैयार हैं, देख सकते हैं दोस्तों। लास्ट हैं, मैं इसका भी डाली हूँ, इसको देख सकते हैं। धीमे धीमे आँच में हम इसको पकाते रहेंगे दोस्तों, आँच को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे मैं बताई हूँ पहले उसी तरीके से। इसको पलटते पलटते हैं इसको सेक लगाएंगे। उतने सा ही तेल में हमारा सारा बन गया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो बन गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसको हम उठा लेते हैं। बनकर तैयार है, जितना मन चाहे उतना बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। आप नाश्ता में वगैरह, अब लंच वगैरह में भी ले जा सकते हैं दोस्तों। बच्चे को तो बहुत ही पसंद आता है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, जब आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे अंदर तक पके हैं दोस्तों। देख सकते हैं कितना भरा भरा सा हमारा है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, कैसे लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगला वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।